कि यहाँ पर जो हमारे देहात के बच्चे थे, हमारे शहर के बच्चे थे, तो उन्होंने ये कुक करिकुलम एक्टिविटीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर पेश किया। और हम चार मैच जीते हैं, अब माशाल्लाह से अब फाइनल खेलने हैं यहाँ। और हमने मैच खेला है, बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा मैच गुजरा है। मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों के लिए काबिल तकलीद भी है कि छोटे बच्चों को प्रोजेक्शन देना, तो यही एक अच्छी रिवायत है। जहाँ तक टूर्नामेंट का ताल्लुक है, तो आपने तकरीबन तमाम मैचेस को कैप्चर किया है, तो हमने कोशिश की है अपने वसाइल में रहते हुए, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए, तो हमने खूबसूरत यहाँ पर ग्राउंड्स अरेंज की। और यहाँ पर आपने देखा कि बच्चों के अंदर जो एक जोश व खरोश था, और असाज़ा कराम के अंदर जो जोश व खरोश था, तो बुनियादी बात ये होती है कि जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, अगर उसका आप एक इन्वायरमेंट देते हैं, तो फिर वो चीज़ें वहाँ से बड़ी खूबसूरत आपको लगती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी चार मैच हमारे जो गेम्स थे, वो इन्हीं ग्राउंड्स पर हुए, और आज चारों गेम्स का हमारा फाइनल है। तो 11 से 20 तारीख तक हमारा टाइम था, तो उसमें हमने ये भी कोशिश की कि विद इन टाइम हम 20 तारीख को अपने तमाम के तमाम मैचेस को ख़त्म कर दें। तो इस हवाले से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि यहाँ पर जो हमारे देहात के बच्चे थे, हमारे शहर के बच्चे थे, तो उन्होंने ये कुक करिकुलम एक्टिविटीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज़ में यहाँ पर पेश किया। और उसके साथ साथ मेरे मिडिल स्कूलों के जितने हेडमास्टर साहबान थे, पीटी साहबान थे, ऑफिशियल्स थे, सीटी थे, डीएम थे, मुख्तलिफ जो गेम्स के साथ मुनसलिक लोग थे, उन्होंने भी अपना हक अदा किया कि ये एक बहुत खूबसूरत इवेंट हुआ है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, तो कमिंग टूर्नामेंट्स जब होंगे, तो उसमें हमने एक साथ पेज लगाया हुआ था कि वो अपनी सजेशन दें, तो उन्हीं सजेशन्स के मुताबिक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कमिंग जो हमारा टूर्नामेंट है, उसमें ये जो डेफिशिएंसीज आ रही हैं, इसको पूरा किया जाए। और एक बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा अपना जहन में ये ख्याल ये रहा है कि हम डीओ साहब से भी ये गुजारिश करें, हम डायरेक्टर साहब से भी ये गुजारिश करें कि हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर के फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, तो इनके जो पीटी साहबान हैं, जो इनके अंपायर्स होते हैं, जो इनके रेफरीज होते हैं, तो उनको एक दिन का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। जो इंटरनेशनल हमारे कानून हैं, कम से कम वो उनको पता होना चाहिए। और इसी तरह हमारे अरबी प्रोग्राम जो हैं, उनके लिए भी मार्किंग एरियाज पहले से डिटरमिन होने चाहिए। तो जब ये रूब्रिक्स बन जाती है, तो हम उसको बुकलेट का हिस्सा बना दें, ताकि अगर वो जोन की सतह पर हमारे टूर्नामेंट्स के कुछ मैचेस हो रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हो रहे हैं, तो एक डिसाइडेड चीज़ जो है हमारी बुकलेट में हो, ताकि ग्राउंड्स पर जब कहीं पर ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो वो उसमें फिर उसको हेल्प करती हैं। तो मेरी ये एक सजेशन भी है, डी ओ साहब की तरफ मैं ये कहूँगा, डायरेक्टर साहब से भी ये कहूँगा कि हमारे लिए ये एक पूल बना दे, फिर हम उन्हीं पूल से अपने अंपायर और रेफरीज लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह मजीद भी जो हमारे डिसीजन है, उसमें कोई ऐसा मसला पैदा नहीं होगा। मेरा नाम मुदस्सर है, स्कूल का नाम GMS जफराबाद, और हमने मैच खेला है, बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा मैच गुजरा है, एक गोल किया और हम जीत गए। तो इस तरह की मैच होने चाहिए ताकि हम मनफी सरगर्मियों से बचें। मेरा नाम फरमान उल्ला है, हम GMS JRX से हैं, और हम चार मैच जीते हैं अब माशाल्लाह से, अब फाइनल खेलने हैं यहाँ। फाइनल इंशाल्लाह हमें बहुत मज़ा भी आया यहाँ।